गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गवर्नर सर जॉन बार्लो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिलहाल हम लोग जो भी बंगाल के गवर्नर या फिर जो भी मतलब गवर्नर जनरल, वाइस राय जो भी हुए हैं भारत में, इन सब के बारे में सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहले हमने सबसे पहले तो जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको गवर्नर जनरल, वाइस राय जनरल, इन सभी के बारे में मतलब शॉर्ट रूप से पढ़ाया था, ठीक है। तो देखिएगा, कई बार क्या है कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपको इतिहास विषय से संबंधित जो भी एग्जाम्स लगती हैं उनमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम मतलब रोज़ाना के एक एक करके वीडियो डाल रहे हैं। तो देखिएगा, मतलब जो सर जॉन बार्लो है, इससे पहले हमने जैसे कि क्लाइव था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, कार्नवालिस, सर जॉन शोर, वेलेजली, इन सब के बारे में मतलब पढ़ लिया है। और मतलब हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे जो भी वीडियो उनमें इन सबसे संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो देखिएगा, जो सर जॉर्ज बार्लो है, ये 1805 से 1807 में भारत में गवर्नर के पद पे रहे थे, ठीक है। तो देखिएगा, इनके काल में मतलब क्या क्या इंडिया में हुआ और ब्रिटिश सरकार को क्या फ़ायदा मिला, भारत को क्या फ़ायदा मिला, इन्हीं सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सर जॉर्ज बार्लो ये 1805 से 1807 ईस्वी तक भारत के गवर्नर रहे थे, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा के लिए उनका यह कार्यकाल काफ़ी अल्प था, मतलब बहुत ही कम टाइम तक इन्होंने यहाँ पे कार्य किया। और लॉर्ड वेलेजली है, वो मतलब 1798 से 1805 ईस्वी तक मतलब रहे थे। और लॉर्ड वेलेजली है, इनके प्रशासन काल में पदोन्नति करके वे काउंसिल के सदस्य बन गए थे, ठीक है। सर जॉर्ज बार्लो अहस्तक्षेप की नीति के अनुगामी बने रहे थे, अर्थात इन्होंने भारतीय जो भी राज्य थे उनमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। ये एक तरह से देखे तो शांति प्रिय व्यक्ति थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने राजपूत राजाओं और मराठों को दया पर छोड़ दिया, ठीक है, जिन्होंने राजपूताना पर आक्रमण कर मनमानी लूट खसोट की थी। मतलब जो राजपूत राजा हैं उनमें और मराठों में भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाई थी, ठीक है। इससे क्या होता है कि अंग्रेज सरकार है इसकी प्रतिष्ठा बहुत गिर गई, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो भी था राज था वह अंग्रेजों का था, अतः भाई सर जॉर्ज बार्लो है उसने किसी भी प्रकार से इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इससे क्या होता है कि उनकी हुकूमत भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं चल पाई, अतः उनकी प्रतिष्ठा भी गिर गई। उनके प्रशासन काल में वेलोर में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे सख्ती से दबा दिया गया, ठीक है। तो वेलोर कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। और अब देखिएगा, वेलोर विद्रोह यह 1806 ईस्वी में हुआ था। तो वेलोर विद्रोह क्या था, तो देखिएगा 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य, उस टाइम का अब जो तमिलनाडु है, इसके वेलोर में विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था कि जो भारतीय सैनिक हैं उनकी नाराजगी, और मतलब जो नवंबर 1805 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों के लिए एक ड्रेस कोड में मतलब काफ़ी बदलाव किया, और वो वजह थी इस विद्रोह का कि, ठीक है। तो हिंदुओं को वो मतलब वजह क्या थी कि हिंदुओं को उनके माथे पर तिलक लगाने और धार्मिक वस्त्र पहनने से मना कर दिया गया, और साथ ही मुस्लिमों को अपनी दाढ़ी और मूछों को भी ट्रिम करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके विरोध में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और काफ़ी संख्या में मतलब अंग्रेज सैनिक भी मारे गए थे। लास्ट में क्या होता है कि जो अंग्रेज सरकार है वह इस विद्रोह को दबा देती है, ठीक है।
अब देखिएगा जो सर जॉर्ज बार्लो है उसकी दुर्बल नीतियों से भारत तथा इंग्लैंड के अंग्रेज बहुत ज़्यादा नाराज हुए और लॉर्ड मिंटो प्रथम को उनके स्थान पर गवर्नर बनाकर भेज दिया गया था। ठीक है, तो देखिएगा ये था सर जॉर्ज बार्लो। देखिएगा वीडियो बहुत ही शॉर्ट है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि वेलोर विद्रोह के बारे में पूछ सकते हैं या फिर सर जॉर्ज बार्लो की काल के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम क्या है कि सारे जो भी गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, इन सबको कवर कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो आप ध्यान से देखें, सुने और कोई भी कमी यदि आप लोगों को नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।